अभी गुना शहर में हाल ही में एक फैशन शो हुआ जो एमपी लेवल पर हैं, जिनको मॉडलिंग में जाना है या जो अपने आप को निखारना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। सर, एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए आपके अंदर कि आप कैसे सबको साथ लेके चल सकते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी मैटर करती है एंड आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। पहले तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे जाएंगे, लोग वहाँ बैठे हैं और अपनी फैमिली भी बैठी होती है, सबको प्रेजेंट करना है खुद को, और वही हमारे पास सिर्फ वही टाइम रहता है कि हम खुद को प्रेजेंट कर पाएं उस टाइम। शेयर ड्रीम क्रिएशन का कि ये जो आने वाला यूथ है उसे एक सही मार्गदर्शन मिले, सही तरह से वो काम करे। एनर्जी सबके अंदर है, कॉन्फिडेंस सबके अंदर है, सब कुछ सबके अंदर होता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, काम कहाँ करना है। बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे वो अपनी प्रतिभा निखार सकें और अपने आप को एक बड़े मंच पे भी देख सकें। मेरा नाम मनुजा मिश्रा है, मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। रैंप पे वॉक किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट ड्रेसेस ही पहने, सिर्फ जीन्स ही पहने, साड़ी में, लहंगे में। इतने बड़े बड़े फैशन शोज़ होते हैं, जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो भी इंडियन परिधान में शोज़ करवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फैशन शो जो है ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, पाश्चात्य संस्कृति में होता है। भारत में भी इस तरह से काफ़ी स्कोप है इस चीज़ का, और भारतीय परिधान में भी, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भी हम फैशन शो कर सकते हैं। रैंप पे चलना एक साहस का काम है, एक कॉन्फिडेंस का काम है, और एक्सप्रेशंस आपके कैसे जा रहे हैं इसका भी काम है। तो निश्चित तौर पर हमारी आज की आवाज़ टीम ने इस यूथ को जो इस राह पर चलकर अपनी मंजिल को तलाश कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम महिमा वर्मा है। जी, आप कहाँ रहती हैं? गुना में ही रहते हैं। गुना में रहते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेरी, अभी मैं मतलब लास्ट ईयर है मेरा, थर्ड ईयर है बीकॉम से। बीकॉम से जी। मैं गुना में रहती हूँ एंड मैं अभी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हूँ कोटा राजस्थान से। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनुजा मिश्रा है, मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ, और मैंने हाल ही में गुना में पहला करियर काउंसलिंग सेंटर दी पर्पल हाउस ओपन किया है। अभी गुना शहर में हाल ही में एक फैशन शो हुआ जो एमपी लेवल पर, उसका पूरा हमारे गुना शहर के एक ऐसे प्रतिभाशाली प्रशांत पवैया ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और साथ में
मनुजा मिश्रा जी भी हमारे बीच में हैं, टीम है। और गुना शहर में ये पहली बार एक ऐसा इवेंट हुआ है यहाँ यूथ टैलेंट को ड्रीम क्रिएशंस ने रैंप पर लाकर एक एक अच्छी भविष्य के लिए और एक अच्छी टैलेंट को पहचान कर आगे निकालने के लिए एक प्रयास किया है। अभी हाल ही में ये रैंप पर पूरा फैशन शो हुआ, हमने उसको कवरेज किया था और आज हम उसी टीम के साथ में बैठे हैं। और मनुजा खान मिश्रा जी, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रैंप पर पहले तो आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें, आप इस इवेंट से कैसे जुड़े हैं और आगे आपकी क्या प्लानिंग है वो आप हमें बताएं। मैं गुना शहर की पहली सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। मैंने हाल ही में अपना सेंटर दी पर्पल हाउस ओपन किया है। यहाँ पे मैं बच्चों को करियर काउंसलिंग सर्विसेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस प्रदान करती हूँ। तो जब प्रशांत पवैया जी ने मुझसे संपर्क किया कि यहाँ गुना शहर के बच्चों के लिए इस तरह से एक आयोजन किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि ये एक नया है। अभी मानना ये है कि बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे वो अपनी प्रतिभा निखार सकें और अपने आप को एक बड़े मंच पे भी देख सकें। तो इस वजह से ही मैं इस इवेंट से जुड़ी और डी पर्पल हाउस की तरफ से मैंने इसको प्रेजेंट किया है। अच्छा, डी पर्पल हाउस और ड्रीम क्रिएशंस, ये दोनों ही आपने ये ऑर्गेनाइज किया है दोनों ने मिलकर आपकी पार्टनरशिप में। तो ये अभी जो यूथ के लिए आपने ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, क्या आपको उसके लिए फीडबैक यहाँ गुना जैसे शहर से मिल रहा है? जी, जैसे कि हमारा जो इवेंट हुआ है उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे आए थे और आगे भी इसी तरह के इवेंट्स करते रहेंगे हम, जिससे कि जो बच्चे हैं जिनको मॉडलिंग में जाना है या जो अपने आप को निखारना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। निश्चित तौर पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके जीवन में कितना ज़रूरी है। और यहाँ जब लोग ये कहते हैं कि हम फैशन शो करा रहे हैं, फैशन शो के लिए मेंटली परफेक्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है, आपकी पर्सनालिटी का एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है और आपके एक्सप्रेशंस बहुत प्रभावी होना भी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में और रैंप पर आने के लिए बेसिकल किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप थोड़ा सा फोकस करें। जी, सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप चलते हैं इतने लोगों के सामने, चलना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। कॉन्फिडेंस के बाद आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर आप कहीं पे ट्रिप भी कर गए हैं तो सामने किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस, आपके एक्सप्रेशंस, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से आप रैंप पे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जैसे एजुकेशन कहाँ तक मायने रखता है? वैसे तो हर फील्ड में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन रैंप पर हम कहते हैं एक कॉन्फिडेंस एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर उसका स्ट्रॉन्ग है तो एजुकेशन का भी क्या उतना ही इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि ये गुना तो एक छोटा शहर है, लेकिन अगर हम बड़े लेवल की बात करें, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी नॉलेज भी देखी जाती है। आपसे इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, आपको अपनी फील्ड के बारे में, दूसरी फील्ड्स के बारे में, लोगों के बारे में कितना पता है, आप उनको कितना समझते हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर रैंप पर अभी ड्रीम क्रिएशंस द्वारा गुना में एक बेहतरीन प्रस्तुति रही और इसके पीछे मैं आपको ड्रीम क्रिएशंस के डायरेक्टर प्रशांत पवैया से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और इसके बारे में जो यूथ हमारा पीछे से चला आ रहा है कहीं एक अच्छे भविष्य को लेकर, उनके एक कॉन्फिडेंस को, डेवलपमेंट को लेकर जो हमारी ड्रीम क्रिएशंस और मनुजा मिश्रा जी जो काम कर रही हैं और उनके दो स्टूडेंट भी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा। यूँ तो ज़िंदगी में सपने सभी सजोते हैं, लेकिन सपने किसके पूरे होते हैं ये तो मंजिल की राह बताती हैं कि वो अपने सपने कैसे पूरे करते हैं। हमारे गुना शहर में ड्रीम क्रिएशंस की तरफ से एक ऐसा फैशन शो आयोजित किया गया जिसमें बच्चों के टैलेंट को पहचान कर उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। हमारे गुना शहर के कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ में लोग अपने पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को रैंप पर चलाने के लिए या रैंप तक पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होता है, एक विचार विमर्श उनके दिमाग में ये होता है कि हम हमारे बच्चों को रैंप तक कैसे पहुँचाएँ। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रैंप तक लाकर
जाने का इंटरेस्ट कैसे लगा और आप फैशन शो कंपटीशन को कैसे महसूस करते हो, क्या इस बारे में कहेंगे? थैंक यू सर आपके क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली ये मतलब मेरा एक सपना था कि मैं रैंप पे वॉक करूं और प्रशांत सर ने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमें कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं प्रशांत सर से जुड़ी और मैंने रैंप पे वॉक किया है। बाकी आपके पेरेंट्स इसके लिए आपने कैसे अपने मन में ऐसा विचार आया कि मैं रैंप पे जाऊं अपना फैशन के जो स्टाइलिश तरीके से, मैं क्योंकि उसमें बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली का सपोर्ट भी है? जी सर बिल्कुल है, मतलब मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स, सबका सपोर्ट है। और मतलब मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला है कि आप अपने सपने मतलब पूरे करो और मतलब अभी वर्तमान में अभी जैसे गुना में ड्रीम क्रिएशंस की तरफ से एक फैशन शो हुआ, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, तो निश्चित तौर पर बहुत शानदार आपका ये पूरा प्रोग्राम रहा, पूरा शो रहा, और आप उसमें किस पायदान पे रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड का? सर मैं विनर रही थी। वेरी गुड जी सर, थैंक यू। और मतलब प्रशांत सर ने यह ऑर्गेनाइज़ किया था और दी पर्पल हाउस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था, एंड मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया हमें कि कैसे क्या इंट्रोड्यूस करना है अपन को, कैसे चलना है, कैसे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। एंड आप आउट ऑफ गुना भी कभी रैंप पे गई हैं? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम गुना जी में सर, जी ड्रीम क्रिएशन जी सर। तो इसमें क्या दिक्कत आती है आपको, कभी किसी कोई बेसिक चीज़ की ज़रूरत या मेंटली प्रिपरेशंस के लिए आपको कोई गाइडलाइन की आवश्यकता, या रैंप पे चलने के लिए पूरी फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत होना ज़रूरी है? जी सर। उसके लिए आपको क्या वर्क करना पड़ता है? एक्चुअली इसी के लिए हमारा एक ग्रूमिंग सेशन हुआ था जिसमें दी पर्पल हाउस मनुजा मिश्रा मैम जो थी उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कैसे क्या करना है। और ग्रूमिंग सेशन के लिए एक सर आए थे, बाहर से आए थे एक्चुअली, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रहे हैं, एक्टर रहे हैं सॉरी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया हमें। इसमें आपको कितना दिन लगा ये सब सारी वर्किंग, आपको वर्कशॉप चला होगा तो उसमें कितना टाइम लगा, 15 दिन 20 दिन? नहीं सर, मतलब ग्रूमिंग सेशन था उसमें हमारा, उसमें 4 डेज की वर्कशॉप थी जिसमें हमें सब कुछ बताया गया कि आपको ऐसे करना है। एंड जो लास्ट जो मतलब मेन जो डे था उसमें हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, कैसे करना है। बाकी आप ड्रीम क्रिएशंस की तरफ से इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको गुना में मिला, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी एक अच्छी शुरुआत हुई है। जी सर, आपने विनिंग किया है इस पूरे शो को, उसके लिए मैं दोबारा से आपको बधाई दूंगा। बाकी क्या है कि कहीं ना कहीं फिजिकल के साथ में मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है, ऐसी लाइन है, उसमें मेंटली जो प्रिपरेशंस आपकी स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप बड़े किसी रैंप पे जाएंगे तो वहाँ पर जो आपके जजेस हैं वो एक क्वेश्चन मारते हैं, और उस क्वेश्चन का आपको क्या सटीक जवाब देना है? सर एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए आपके अंदर कि आप कैसे सबको साथ लेके चल सकते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी मैटर करती है। एंड आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो। एंड आपका नेचर वाइज नेचर अच्छा होना चाहिए जिस हिसाब से आप सबको एक साथ लेके चलो। जी थैंक यू। आई थिंक दैट इज़ लीडर क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ जब लीडर क्वालिटी होती है तो वहाँ सारी मूवमेंट, सारी दिशाएं एक दिशा में जाके मंजिल को प्राप्त कर लेती हैं। हमारे गुना शहर के बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको एक शानदार प्लेटफॉर्म ड्रीम क्रिएशंस की तरफ से आप लोगों के बीच में मिलने जा रहा है, और अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो ड्रीम क्रिएशंस करने जा रहा है, और ऐसे कई प्रतिभाशाली बच्चे आप लोगों के बीच में आएंगे और अपना भविष्य बनाएंगे, और हम उन्हें कवरेज करेंगे आज की आवाज़ हमारा जो खुद का चैनल है। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ये सब दिखाता रहूँगा। थैंक यू। ओके, आज की आवाज़ MP चैनल से आपको एक कवरेज हम दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर बच्चों के भविष्य के लिए हर माता पिता चिंतित होते हैं, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य है कि हम उन बच्चों की भावनाओं को पहचान कर और उनके टैलेंट को पहचान कर
आज की आवाज़ एमपी चैनल पर हम ये प्रोग्राम आपको दिखाएं और इस प्रोग्राम को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की महत्वाकांक्षा और बच्चों का टैलेंट और उनका भविष्य इस कार्यक्रम के पीछे छुपा हुआ है। अभी हाल ही में ड्रीम क्रिएशंस की तरफ से एक फैशन शो, एमपी लेवल का किड्स फैशन शो डिज़ाइनिंग का पूरा कार्यक्रम हुआ हमारे गुना शहर में, और मैडम ने उसमें मनुजा मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, वो इसको पूरा लीड कर रही थी पूरे प्रोग्राम को। काफ़ी बच्चे उस पूरे प्रोग्राम में और उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए थे, रैंप पर बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैडम, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मनुजा मिश्रा जी, और ये आप इस दिशा में बच्चों को क्या भविष्य देखती हैं? जी धन्यवाद। मेरा मानना ये है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रतिभा होती है जी। तो उनको एक इस तरह का मंच मिलना चाहिए, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे वो उस प्रतिभा को निखार सकें। और ये जो हमारा फैशन शो हुआ था अभी, ये इसी तरह का एक मंच है कि जिन बच्चों को मॉडलिंग की फील्ड में जाना है, एक्टिंग की फील्ड में जाना है, उनको उन्हीं के शहर में एक मंच हम दें जिससे कि वो अपनी प्रतिभा निखार सकें और लोगों को भी उसके लिए प्रेरित कर सकें। आपको ऐसा गुना में लगा कि कुछ बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे बच्चे हैं गुना में जिनमें प्रतिभा है, और बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं प्रशांत पवैया ड्रीम क्रिएशन से, वो भी इसी फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो बहुत से बच्चे हैं उनके पास भी आते हैं जो चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ें, और इसी तरह के इवेंट से, इसी तरह के प्रोग्राम से उनको एक मंच मिलता है और एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कोई भी किसी को भी लेके बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको शहर में ही इस तरह का मंच मिल रहा है कि आप अपनी बात रख सकें और आगे जाके भी अपना टैलेंट दिखा सके, तो ये बच्चों के लिए ही फायदेमंद है। मनुजा मिश्रा जी, अभी जैसे हमारी जो कल्चर, हमारा जो गुना शहर का कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का मानना है कि रैंप पर बच्चों को लेके आना या फैशन शो से जोड़ना, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, हमारी संस्कृति पर कोई ना कोई इसका कुठाराघात होता है, या बच्चों को हम वो संस्कार नहीं, पाश्चात्य संस्कृति की संस्कृति में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो आपको फाइट नहीं करना पड़ता या लोगों को कन्विंस तो नहीं करना पड़ता? जी कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इंडियन वेयर में भी रैंप पे वॉक किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट ड्रेसेस ही पहने, सिर्फ जीन्स ही पहने, साड़ी में, लहंगे में, इतने बड़े बड़े फैशन शोज होते हैं, जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो भी इंडियन परिधान में शोज करवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फैशन शो जो है ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, पाश्चात्य संस्कृति में होता है, भारत में भी इस तरह से काफ़ी स्कोप है इस चीज़ का, और भारतीय परिधान में भी, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भी हम फैशन शो कर सकते हैं। मनुजा मिश्रा कैरियर काउंसलिंग का काम भी करती हैं और कई स्टूडेंटों को मोटिवेट भी करती हैं और उनके परिवारों को भी कन्विंस करती हैं कि आखिरकार उनके बच्चे का भविष्य कैसे बन सकता है। यूं तो हर परिवार यही चाहता है कि उनका बच्चा कामयाब हो, किसी मंजिल को पाए और सफलता के राह पर निकलकर उनका नाम रोशन करें, लेकिन मनुजा मिश्रा इस दौर में इन रास्तों पर इन बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं और काउंसलिंग भी करती हैं और उन्हें गाइडलाइंस भी देती हैं कि वो उनको एक कैसे राह पर वो बच्चे चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचें। मनुजा मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद जी। आप किस तरह से स्टूडेंटों को गाइडलाइन देती हैं, आप क्या करियर काउंसलिंग का आप जो वर्क करती हैं वो उसमें आप कैसे मोटिवेट करती हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में, जिसके आधार पे मुझे ये पता चला है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट उनका, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्किल्स, उनकी इंटेलिजेंस, इन सब के आधार पे बच्चे को हम कैसे उसके फ्यूचर के लिए गाइड कर सकते हैं।
मैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट यूज़ करती हूँ जिसमें बच्चे की जो भी प्रतिभा है वो हमें पता चल जाती है, जो रिपोर्ट निकल के आती है उसके आधार पे फिर मैं बच्चों को आगे गाइड करती हूँ कि उनके लिए किस फील्ड में जाना बेहतर होगा। जैसे हम आजकल देखते हैं हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, लेकिन वो बच्चा किस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है ये बात हम एक असेसमेंट के द्वारा जान सकते हैं। इसके लिए आपकी कोई कोचिंग होती है या क्लासेस होती हैं या आपकी कोई लेक्चर होता है या कोई स्पीच होती है, इसके लिए आप क्या तैयारी करते हैं? जी, करियर काउंसलिंग जो है ये दो तरह से होती है, एक इंडिविजुअल जिसमें बच्चे और उसके माता पिता के साथ बैठ के बात की जाती है, ये पूरा सेशन एक घंटे का रहता है, इस तरह के 2 से 3 सेशन उस असेसमेंट को करता है जिसमें उसके इंटरेस्ट से संबंधित उसकी पर्सनैलिटी, स्किल्स, इंटेलिजेंस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है और फिर बच्चे को इस तरह से कुछ चॉइसेस मिल जाती हैं। जैसे अगर हम अभी बात करें तो बच्चे के पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमें मिले, तो असेसमेंट के बाद बच्चे के पास अगर 5 या 6 ऑप्शंस हैं तो वो 5 और 6 ऑप्शंस उसके लिए परफेक्ट हैं, वो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकता है और उसमें वो अगर मेहनत करेगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी हाल ही में 12th की एग्ज़ाम को लेकर जो एक बच्चों में टेंशन हो जाता है, जो बच्चों के लिए एक मेंटली दबाव बन जाता है, उसके लिए हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा सेमिनार बुलाकर और बच्चों को जगह जगह अलग अलग स्टेट से बच्चों से बातचीत की और उनको मोटिवेट किया, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, तो उस बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताएं कि उन्होंने ये दिशा पे ये काम सही किया या उन्होंने जो बच्चों को मोटिवेट किया वो काम सही है। जी, परीक्षा पे चर्चा जो आप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मेरे माता पिता भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं तो उन्होंने भी इस इवेंट में भाग लिया था और ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इसी के साथ ही अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए भी गाइडलाइंस निकाली हैं जिसमें कि बच्चों को काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करने का भी एक निर्देश दिया गया है। और इसी तरह से स्कूल्स में भी काउंसलर होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि छोटी ही उम्र में बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा दोस्त कुछ कर रहा है, मेरे पेरेंट्स कुछ करवाना चाह रहे हैं, मेरा मन कुछ और करने का है, तो इन सभी कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चे को सही राह मिल सकती है। ये काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की है, तो ये आप कहीं ना कहीं उससे सहमत हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरह से। जी, बहुत सारे क्या बच्चों को लगा मोटिवेट हुए हैं बच्चे? जी बिल्कुल, और परीक्षा एक ऐसा समय होता है जिस समय बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि हाई स्कोर करना है, दूसरे से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, ज़्यादा नंबर नहीं आए तो आगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो इस तरह के स्ट्रेस से, टेंशन से थोड़ा सा कम करने के लिए तो उसके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह से परीक्षा पे चर्चा आयोजन किया है। बच्चे के टैलेंट को किस दिशा में लेके जाना चाहिए या बच्चे का जो एक टैलेंट होता है, जैसे रुचि अगर उसकी स्पोर्ट्स में है तो क्या हमको एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, या बच्चे की रुचि किसी इवेंट्स में है तो हमें इवेंट्स की तरफ लेकर ना जाते हुए या हमें उसे किसी मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ उसे फोकस, तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप बच्चे को कैसे गाइड लेंगे? जी, मैं पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि बच्चा जो करना चाहता है वो उसे करने दीजिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है जैसे कि 6th-7th क्लास तक, तो उसे सब चीज़ें एक्सप्लोर करने दीजिए, फिर जब वो 8th-9th क्लास में आए तो एक बार करियर काउंसलर से ज़रूर संपर्क करें क्योंकि वो इस चीज़ के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं कि वो आपके बच्चे को और आपको दोनों के जो सपने हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठा सकें। और जब तक बच्चा कॉलेज में आता है या कॉलेज की ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तब उसके बाद फिर बच्चों को समझ में आता है कि हमने सही चुनाव किया है या नहीं, तो अगर स्कूल के समय में ही उन्हें ये पता चल जाए कि उनका चुनाव सही है तो उन्हें भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाके कि हमने सही चुना है या नहीं, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। और अगर बच्चे को पढ़ाई के अलावा भी किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। आजकल तो बहुत से करियर ऑप्शंस हैं भारत में भी, भारत के बाहर भी, और अब तो गुना में भी इस तरह से प्लेटफॉर्म मिल गया है कि बच्चे मॉडलिंग में जा सकें, स्पोर्ट्स में जा सकें, और पूरे भारत लेवल पे भी कई सारे ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें कि बच्चों की प्रतिभा को हम निखार सकें।
बच्चों की प्रतिभा को हम निखार सकें, मनुजा मिश्रा जी से हमारी ये बात हो रही थी। एक बेस्ट काउंसलर के रूप में बच्चों को मोटिवेट कर कर जो भी फील्ड हो, फैशन शो हो या उसका बच्चे का एजुकेशन हो या बच्चे को किसी अदर क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, उसकी काउंसलिंग के लिए हमारी मनुजा मिश्रा मैडम इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करती हैं फैमिली को, बच्चों को। तो आप निश्चित तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं आज की आवाज़ MP पर। हम इस प्रोग्राम को सिर्फ इसीलिए लेकर आए हैं कि आपके बच्चों को सही राह मिले, सही राह मिले उनके टैलेंट के अनुसार। या वो अगर टैलेंटेड बच्चे हैं, एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं, फैशन शो लाइन में जाना चाहते हैं या अदर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको मुकाम मिले, उनको सफलता मिले, उनको सक्सेस मिले। हमारा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके लिए बहुत गंभीर हैं और उसी विषय को लेकर हम आज की आवाज़ टीम से, मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ये पूरा वातावरण आपको दिखा रहा हूँ और हम और आपसे चर्चा करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनुजा मिश्रा जी, आपने हमें टाइम दिया हमारे चैनल पर। और हमारा चैनल ये प्रयास कर रहा है छोटा सा, हमारे चैनल के लिए भी आप थोड़ा सा दो शब्द बोलें, क्योंकि हमारे ये YouTube पर ये चैनल हमारा प्रसारित होता है आज की आवाज़ MP, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा आप देखें, सर्च करें और अपने लोगों से आप थोड़ा सा हमारे जी बिल्कुल, आज की आवाज़ मध्य प्रदेश देखा करिए, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ कवर करते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और हमारा हमसे बातचीत की। थैंक यू, इसी तरह से हम लोगों से बातचीत करवाते रहेंगे और आपको ये बताते रहेंगे। आज की आवाज़ MP पर मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ये बेहतरीन प्रोग्राम सिर्फ इसलिए हम आपके लिए लेकर आए कि क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमें भी चिंतित, हम भी चिंतित हैं और आप भी चिंतित हो जाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक। ब्रिज बाग सामरसिंगा गार्डन में एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ ड्रीम क्रिएशंस की तरफ से, MP लेवल का किड्स फैशन शो डिजाइनिंग। उसमें हमारे बीच में जो उस फैशन शो को और उस रैंप पर चलकर अपने कॉन्फिडेंस को दिखाने वाली अपने महिमा हमारे बीच में हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे हर वो बात करने की कोशिश करेंगे जो इस उम्र में आने के बाद में जो स्टूडेंट अपने मन के प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो हमारे बीच में हैं महिमा वर्मा, उन्होंने रैंप पर चलकर अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया, अपने टैलेंट को दिखाया। तो ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चों से हम बात कर आपको ये कोशिश कर रहे हैं आज की आवाज़ MP हमारे चैनल से, मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में, कि ऐसे बच्चों को किस तरह से उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर रैंप पर चलते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। महिमा वर्मा हमारे बीच में है। महिमा, इस बार आपको कैसा अनुभव रहा और आपने रैंप पर चला, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया, तो उस बारे में आप अपने जैसे स्टूडेंट से या अपने जैसे टैलेंटेड बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सर कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन दिया। जो होता है ना कि स्टार्टिंग में आप जब स्टार्टिंग करते हो किसी भी चीज़ के करियर के लिए और स्पेशली मॉडलिंग जैसी लाइन में अगर आप जाते हैं, तो होता है लोगों की मेंटलिटी होती है कि नहीं, मॉडलिंग लाइक इतना अच्छा कोई वो नहीं है। बट मेरे लिए ऐसा नहीं है और मैं अपने पेरेंट्स और मेरे थ्रू और प्रशांत सर के थ्रू ये चीज़ समझाना भी चाहती हूँ कि जो मॉडलिंग लाइन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। जी, और जब मेंटोर्स हों प्रशांत सर जैसे और हमारी मैम मनुजा मैम जैसे, तो ऑब्वियसली बात है फिर रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी सर के पास कि सर नहीं मुझे भी करना है, तो मिस मनुजा मैम ने बहुत अच्छे से हमारा जो है हमें सिखाया कि इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है, हमें कैसे चलना है। और प्रशांत सर ने जो था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस आए थे सर अनिल भालेराव सर, और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें बताया कि हमें किस तरीके से चलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। और इसके बीच हमें प्रशांत सर ने भी काफ़ी अच्छे से मोटिवेट किया कि नहीं, आपको जाना है और गुना शहर में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच प्रशांत सर और मैम पनुजा मिश्रा मैम कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमें। महिमा वर्मा जी, मैं आपसे ये एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि जब आप रैंप पर होते हैं तो रैंप पर
जब आप रैम करते हैं तो ये तो आपकी प्रैक्टिस होती है कि आप किस तरीके से क्या मूवमेंट करेंगे, लेकिन इंटरनल फीलिंग एक अलग होती है क्योंकि आप पब्लिक को सीधा फेस करते हैं और पब्लिक का व्यू आपके हर एक्टिविटीज़ पे होता है। तो क्या आप मेंटली भी उस चीज़ को प्रिपेयर करके चलते हैं या रैम पर आप कैसा महसूस करते हैं? मेरा कहने का मतलब ये कि आप क्या अंदर फील होता है उसमें? पहले तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे जाएंगे लोग वहाँ बैठे हैं और अपनी फैमिली भी बैठी होती है, सबको प्रेजेंट करना है खुद को, और वही हमारे पास सिर्फ वही टाइम रहता है कि हम खुद को प्रेजेंट कर पाएँ उस टाइम। तो उस टाइम बस इतना रहता है कि मन में तो बी द बेस्ट, जितना अच्छा हो सकता है हम उतना अच्छा करें और ख़ुद को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें। जी, अभी आपने अपने लाइफ कैरियर में क्या सोचा है? आप फैशन शो लाइन में जाना चाहती हैं, आगे और भी बढ़ना चाहती हैं इस लाइन में या? सर एक्चुअली फैशन में अगर देखा जाए तो मैंने खुद भी एक टेक्सटाइल सर्टिफिकेट हूँ मैं, मैंने भी कोर्स कर रखा है, बट एक्चुअली वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है और मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मॉडलिंग में और एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि मैं एक्टिंग की लाइन में आगे भी जाऊँ और बाकी सब प्रशांत सर वगैरह। एक्टिंग कोचिंग क्लासेस आपने कहीं ज्वाइन की? नो सर, मैं जो भी हूँ भी सेल्फ मेड। आप भविष्य में आप करेंगे? जी जी। तो क्या आप अच्छे एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? सर मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं जो भी करूँ बस इतना कहती हूँ, बाकी मैं एक अच्छा आर्टिस्ट ज़रूर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे मनुजा मिश्रा मैडम का या प्रशांत सर का आपको सपोर्ट रहा है इस रैम पे आने के लिए, क्या आपका फैमिली सपोर्ट इसके लिए आपको क्या बोलता है? जी सर, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट बिल्कुल करती है, बट होता है ना कि रिलेटिव समटाइम्स बोल देते हैं, बट लेकिन अब नहीं बोलते, बट हाँ जब फर्स्ट टाइम मैं आ रही थी तो ज़रूर थोड़ा सा हुआ था, बट अब सब ठीक है। आप पूरा कॉन्फिडेंस? हाँ जी, आपका बिल्कुल कोई जी जी लाइनों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि मॉडलिंग और एक्टिंग की लाइन में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल होता है, क्योंकि फर्स्टली हमें हमारी फैमिली से ही लड़ना होता है, क्योंकि फैमिली समटाइम्स एक बार में नहीं राज़ी होती है, बट फिर जब वो प्रोग्रेस देखते हैं तो वो भी मान जाते हैं। बाकी सर इतना है कि स्ट्रगल जो है आज की लाइफ में और जो आज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ऑब्वियसली बात है हर चीज़ में देखने को मिलता है, और जब हमारे पास अच्छे मेंटोर्स होते हैं तो वो स्ट्रगल ये समझ लीजिए कि थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे जो मेंटोर्स हैं हमें बताते हैं कि हमें आगे चल के कैसे काम करना है, कैसे आगे जाना है। तो बस यही है सर कि खुद की मेहनत होनी चाहिए और मेंटोर्स अच्छे होने चाहिए तो सक्सेस। जी जी, आपकी नज़रों में मैं एक आध्यात्मिक टाइप्स का आपसे प्रश्न कर रहा हूँ जी, बेस्ट मॉडल कौन है? बेस्ट मॉडल कृष्ण जी। कृष्ण जी, जी हाँ, तो उनकी कृष्ण जी की कोई ऐसा संदेश जो समाज के लिए उन्होंने दिया हो, और कृष्ण जी क्या बताते हैं? जैसे 16 कलाओं में पारंगत थे कृष्ण जी, आजकल तो एक कला में पारंगत होना बहुत मुश्किल है, और हम भी एक आप जो एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो एक कला का भाग है, 16 कलाएं तो बहुत बड़ी बात है, ईश्वर के पास ही हो सकती है। तो क्या आपने कृष्ण जी से सीखा, क्या आप बताना चाहेंगे उनके बारे में? सर सबसे अच्छी चीज़ मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है कि आप प्रेजेंट में जियो, क्योंकि जो आपका फ्यूचर है वो आपने देखा नहीं है जी, और जो आपका पास्ट है उससे आप बदल नहीं सकते जी, तो जो भी है आप प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट को अच्छा करने की कोशिश कीजिए तो आपका फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि वो जब बोलते हैं कि जो प्रेजेंट में आप जियेंगे, ऑब्वियसली बात है जब प्रेजेंट में अच्छी चीज़ें करेंगे तो सब पास्ट भी अच्छा हो जाएगा और फिर फ्यूचर भी। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये सब सारी चीज़ें आपने बताएं। बाकी कृष्ण जी के बारे में हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनके हम जितनी भी उनकी बातें कहें उतना ही कम है, लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इस तरह से आप बढ़ाकर रैम पर आएं प्रशांत सर के साथ में, मनुजा मैडम के साथ में, आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, हमारी शुभकामना आपके साथ में है कि हमारे चैनल के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि आपके जैसे टैलेंटों को हम बाहर लेकर आएं और आपको एक अच्छा मौका मिले और आपका अच्छा भविष्य बने। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। भगवान आध्यात्मिक अटैचमेंट से लोग लेकर ये हमें बताते हैं, भगवान की ये शिक्षा हमें मिली है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, और निश्चित तौर पर आज का जो यूथ, आज का जो टैलेंट, आज का जो भविष्य जो हमारे समाज का निकल कर बाहर आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी देश की सरकारें भी इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि हमारा यूथ विंग बाहर निकल कर आए, युवा बाहर निकल कर आए और वो हमारे देश का भविष्य बने। कर्म
किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये हमारे ईश्वर आराध्य भगवान श्री कृष्ण से हमको ये संदेश मिलता है हमारे समाज सुधार के लिए। और हमारा आज की आवाज़ टीम के माध्यम से भी हमारी यही कोशिश है कि हम ऐसे टैलेंट को और ऐसे लोगों को हम बाहर निकाल कर आएँ और आपसे रूबरू करवाएँ और उनकी बातचीत आपको हम दिखवाएँ और आप महसूस कर सकें कि आपके बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए या आपके बच्चों के टैलेंट के लिए सही रास्ता आखिरकार क्या है। जय हिंद जय भारत। में दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आपको दिखाता रहूँगा हर एक प्रोग्राम, हर एक एपिसोड। प्रशांत पवैया हमारे बीच में ड्रीम क्रिएशंस के डायरेक्टर्स हैं। अभी हाल ही में हमारे सामर सिंगा गार्डन में बहुत बड़ा इवेंट गुना शहर में उन्होंने करवाया और प्रशांत पवैया को हम बधाई देते हैं हमारे चैनल की तरफ से और कुछ बातें हम आपके काम की उनसे निश्चित तौर पर करवाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रशांत हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। जी तो थैंक यू। और प्रशांत सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मैं फैशन शो करवाऊँ या टैलेंट शो करवाऊँ या बच्चों की प्रतिभा को पहचानूँ और उनको एक अच्छे मंच तक लेके जाऊँ, ये आपको प्रेरणा कहाँ से कब कैसे मिली? ना प्रेरणा शो कराने की तो ये तो बहुत भात की है। अब शुरू से इस लाइन का जुड़ाव रहा है बचपन से ही कि मतलब इसी फील्ड में काम करना है, सब कुछ करना है। फिर इसी मार्फत कई लोगों से मिलना हुआ, जैसे आपसे मिलना हुआ। इसके साथ साथ मैंने आपसे सीखा भी बहुत कुछ है। आपकी जर्नी के बारे में मुझे पता चला कि 96 और 97 में शायद मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था उस समय जब आप बॉम्बे वगैरह में सीरियल्स वगैरह में काम करके आए थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ वो भी है ना कि मैं जिस चीज़ के लिए आप गए थे वो नहीं मिल पाई। जी जी, कई कारणों से जो संघर्ष हमने भी किया वो भी नहीं मिल पाई। लेकिन उस समय को देखते हुए और आज के समय को देखते हुए जो संसाधन आज उपलब्ध हैं वो शायद हमारे समय में नहीं थे। और लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्गदर्शन, कि शायद एक मार्गदर्शन की कमी रही, इसी कारण हमें शायद काम करना पड़ रहा है, नहीं तो हम यहाँ नहीं होते शायद आज। तो वही एक उद्देश्य है ड्रीम क्रिएशन का कि ये जो आने वाला यूथ है उसे एक सही मार्गदर्शन मिले, सही तरह से वो काम करे। एनर्जी सबके अंदर है, कॉन्फिडेंस सबके अंदर है, सब कुछ सबके अंदर होता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, काम कहाँ करना है। लड़ाई इस चीज़ की नहीं है, बॉम्बे तो सब चले जाएंगे, लड़ाई तो इस बात की ना बॉम्बे में जाना कहाँ है। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि गुना शहर का बच्चा उसे सही मार्गदर्शन हम लोग दें, सही जगह जाए और नाम रोशन करे, खुद का भी थोड़ा बहुत हमारा भी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर आप उन्हें कहीं ना कहीं एक सही दिशा दिखाएंगे तो आपका नाम भी बढ़ेगा। इस आपके पेरेंट्स काफ़ी मेहनत की है, आपके संघर्षशील रहे हैं। आप अपनी फैमिली को कैसे मेंटेन कर पाते हैं इतने बड़े इवेंट को आयोजित करते हैं? न सर, फैमिली मेरे काम को मेंटेन करती है। अब आप कहीं भी मैं शो करने आता हूँ तो गुना है, बाकी कहीं भी हम लोग इवेंट वगैरह करने जाते हैं तो कोई पहचान नहीं पाता है। जो भी हमारे बाहर के गेस्ट वगैरह होते हैं बाद में बताता हूँ मेरे पापा हैं तो बोलते हैं तो सर हमारे साथ काम कर रहे थे वगैरह। तो बड़ा शॉकिंगली चीज़ हो जाती है कि सबसे पहली लड़ाई तो हमारी यही है आजकल के लोगों की, बच्चों की, के पेरेंट्स को कन्विंस करना। और हमारे साथ तुम्हारे पिता खुद काम कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहला सौभाग्य तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। आपके साथ शायद इसीलिए हम ये सब कर पा रहे हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था। अभी प्रशांत जी, अभी जैसे आपका ड्रीम क्रिएशंस, आपका जो आपने एक बढ़िया अच्छा सा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया और साथ में आपको मनुजा मिश्रा मैडम भी आपके साथ में हैं, वो काउंसलिंग का काम करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं, मेंटली प्रिपेयर करती हैं, इस बीच में आपको उन बच्चों को इस प्लेटफार्म पर लाने के लिए किस तरह की टीम की ज़रूरत है? मनुजा मिश्रा जी मैडम मिल गई और भी बच्चे अच्छे टैलेंटेड मिल गए, और भी आप क्या कमी महसूस करते हैं जो और होना चाहिए बड़ा शहर में? नहीं, कमी तो अभी है, बहुत सी कमियां हैं। शहर हमारा बड़ा प्यारा है, बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी यहाँ काफ़ी हैं। एक मनुजा मैम के साथ ये मेरा भी मुझे पता चला इस बारे में और इस चीज़ की शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो इस कारण से मेरा मिलना हुआ। तो मैम से आप जुड़े, ये फर्स्ट इवेंट था मेरा उनके साथ में। जैसे मुझे ट्रेनर्स बाहर से बुलवाने पड़े उन्हें सिखाने के लिए, काफ़ी चीज़ कराने के लिए, तो मैम मुझे यहीं से मिल गए तो मुझे उन्हें बाहर से नहीं बुलवाना पड़ा कहीं से। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि मैम यहीं पे हैं, उन्होंने इतना अच्छा सेंटर वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे दी है, तो काफ़ी लोग उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। अगर ये सेंटर हो सकता है आज से 4-5 साल पहले होता तो आज हो सकता है मैं भी 2-3 साल अपने करियर में आगे होता। कोई ऐसा मेंटर होता कि जो मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता, समझा सकता, तो हो सकता है कि आज अभी इस इवेंट प्रोग्राम को लेके आप जैसे दिल्ली भी गए, इंदौर भी गए, वहाँ के एटमोसफियर में या वहाँ के कल्चर में, वहाँ की एक्टिविटीज़ में और हमारे गुना के बच्चों की एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है?
एक अवेयरनेस है बच्चों में, तो अवेयरनेस होती है हमारे शहर में भी, बहुत बच्चों में बहुत है, एक थोड़ा सा पेरेंट्स का एक बीच में एक दूरी कहीं ना कहीं बनी हुई है, तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी क्योंकि हमारा शहर जैसे बढ़ता जा रहा है तो एक्टिव भी होता जा रहा है। साथ में पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है, सबसे फर्स्ट तो पेरेंट्स को ही करना पड़ता है जी, बच्चे तो कन्वेंस ही हैं, बच्चों को तो करना ही है। बाकी अनट्रेंड बच्चों को भी आपको ऐसा लगता है कि आप टैलेंटेड बच्चों को ही निकाल के लाना चाहते हैं, या फिर अनट्रेंड बच्चे जो रहते हैं उनके लिए भी आप, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अपने पैसे की कमाई के लिए बच्चों पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि हमारी मोटी कमाई हो जाएगी ऐसा? एक हमारे आलोक दा जी हैं जिनसे मैंने लिया है मार्गदर्शन वगैरह, उन्होंने काफ़ी चीज़ सिखाई है, तो सबसे पहला उनका ये था कि यार तुम्हें एक्टर बनना है तो कोई पैसे के लिए एक्टर मत बनना, पैसे के लिए काम करना कोई और काम कर लेना, एक कला क्षेत्र है या पैसे के लिए काम मत करना। और दूसरी बात ये आपने बोली कि बच्चा टैलेंटेड है कि टैलेंटेड नहीं है, तो हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो अध्यात्म है, उसके में एक चीज़ कही जाती है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और जब वो रोता है तुम्हारे ये कहते हैं कला का जन्म हो गया, तो हर बच्चा कलाकार है, बस ये है कि वो किस फील्ड में कलाकार है, सबकी अपनी अपनी वो है। हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चा कलाकार है, और कहीं ना कहीं हर माता पिता का बच्चा, हर माता पिता के लिए वो जान से प्यारा होता है, और वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में आकर नाम रोशन करे, हमारा भी, हमारे परिवार का भी, हमारे पूरे समाज का भी। तो निश्चित तौर पर एक जौहरी की तलाश होती है हर हीरे को पहचानने के लिए, तो वही जौहरी के रूप में हमारे प्रशांत जी, प्रशांत पवैया जी काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा परिवार है इस गुना शहर का, और उसमें से निकल कर, हमारे गुना शहर से बाहर निकल कर, लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को रख रहे हैं, और साथ में एक ऐसी टीम को, एक ऐसे यूथ के टैलेंट को भी दूर शहरों में ले जाकर उनकी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करवा रहे हैं हमारे प्रशांत जी। प्रशांत जी, एक क्वेश्चन और आपसे कि जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम अगर किसी टैलेंट के सामने आ जाती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं? सर, मैंने भी फोकस की है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मैंने भी झेली है। अब मेरा एक ही कहना है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आर्ट लाइन में कहाँ आएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो मेकर्स को होती है। अगर जैसे आर्टिस्ट हो तो आपके लिए तो बना बनाया प्लेटफॉर्म है, सीखना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं 2-3 लाख फेक कर ही सीखो। आज तो आपका सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत कुछ है, तो सीखना कहीं से भी सीख सकते हो। और फाइनेंशियली बात है, जैसे आप मेकर्स हो, आप फिल्म मेकर हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको कोई प्रोड्यूसर क्यों नहीं मिलेगा? मेरा इवेंट अच्छा है तो मुझसे मनुजा मैम जुड़े और भी लोग जुड़े, तो वो कोई चीज़ नहीं आती। फाइनेंशियली प्रॉब्लम कोई नहीं होती, हर चीज़ का रास्ता होता है। ड्रीम क्रिएशंस का अगला स्टेप क्या है शहर के लिए? अब अगला फोकस ये है कि जो जिन बच्चों ने रैम किया है उन्हें थोड़ा सा हम अपडेट लेवल की ट्रेनिंग दें, कुछ बच्चों को हम बाहर भी भेजें, और एक शहर में एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें, और जल्द से जल्द उनको एक कैमरे पर लेकर आएँ। जी, रैम तैयार करते हैं गुना शहर में, छोटे से शहर में, तो क्या प्रॉब्लम आपको फाइट करना पड़ती है? प्रॉब्लम्स पहले आती थी, अब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जैसे आप लोग का साथ है और भी लोगों का साथ है तो आप लोग समझने लगे हैं, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, हो जाता है सब, हो जाता है। आप एक्टिंग लाइन में, मतलब सभी जैसे देखते हैं कि जो लोग फैशन शो कर रहे हैं या बच्चे जो टैलेंटेड हैं या कुछ अलग इवेंट में हैं, सभी लोगों की एक ही मंजिल है कि मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊँ, एक अच्छा कलाकार बन जाऊँ, तो ऐसा कहीं ना कहीं आप कोई रास्ता निकाल कर लोगों को, बच्चों को दे पा रहे हैं कि वहाँ जाकर अभिनय के क्षेत्र में कोई काम? बिल्कुल, हम लोग ने मौका दिया भी है ड्रीम क्रिएशंस की। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक 100+ कास्टिंग हो चुकी हैं, 100 से ज़्यादा हम लोगों को काम दे चुके हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद ग्वालियर संभाग में पहला प्रोडक्शन है जो 1-2 साल के अंदर इतने लोगों को हमने काम दिया है। कई बच्चे हमारे बड़ी वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं, तो काम बिल्कुल कर रहे हैं लोग, जो जुड़े हुए हैं बिल्कुल उन्हें मौका मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर इंसान को अपनी मंजिल की तलाश है, और जिनको अपनी मंजिल की तलाश है उनकी राह आसान करने का काम हमारी आज की आवाज़ टीम, मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवा के साथ में कर रहा हूं, और हम और भी ऐसे टैलेंटेड लोगों को आप लोगों के बीच में इसलिए लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं उनके जीवन से आपको ऐसी प्रेरणा मिल जाए या वो रास्ते आपको मिल जाए, यहाँ आपको आपकी मंजिल मिलना आसान हो जाए। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवा के साथ में ये पूरा वातावरण आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हमारा YouTube पर चैनल है आज की आवाज़ MP, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए, और हमें बताइए कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।